असुरन चौक से महाराजगंज तक हो रहे फोरलेन निर्माण में सीवर की पाइपलाइन बिछाने के लिए जल निगम विभाग द्वारा असुरन चौराहे के पास राप्ती कॉम्प्लेक्स के सामने ही पाइपलाइनों का जखीरा गिरा दिया गया है, जबकि उसी के बगल में एमपी महिला पॉलिटेक्निक के छात्रावास की बाउंड्री के सामने काफ़ी जगह खाली है, जिसमें जल निगम आराम से अपना पाइपलाइन गिराकर कार्य को सुचारू ढंग से पूरा कर सकता था, लेकिन जल निगम की मनमानी के कारण राप्ती कॉम्प्लेक्स के सामने सड़क पर ही पाइप को गिरा दिया गया, जिससे कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों की दुकानदारी तो प्रभावित हो ही रही है और सड़क पर वाहन खड़ा करने से यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। इसके संबंध में स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि दीपावली का सीजन होने के बाद भी पाइपलाइन गिर जाने से दुकानदारी प्रभावित हो रही है, हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने कहा, जल निगम द्वारा यहाँ पाइप लगा दी गई है और यहीं से कॉम्प्लेक्स की सीढ़ी बनती है और सीढ़ी से दुकानदार या कस्टमर ऊपर जाते हैं और पाइप गिराने से यहाँ देखिए तो पूरा दुकान बाधित हो रहा है, दुकानदारी बाधित हो रही है। जहाँ सरकार लगातार व्यापारियों के लिए काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, लेकिन ये विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जल निगम इस तरह यहाँ पर पाइप गिराकर दुकानदारों की दुकानदारी को बाधित किया है। तमाम दुकानदार इसको लेकर के परेशान है कि इनके कस्टमर सीढ़ी से कैसे चढ़ेंगे, आप खुद दे सकते हैं, सीढ़ी से पूरी तरह ये बाधित है और कहीं भी सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। और यहाँ नीचे भी दुकानें हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है, राप्ती कॉम्प्लेक्स के नाम से कहा रहा था, 400-500 दुकानें यहाँ पर। और इस तरह जो पाइप गिरा करके जल निगम पूरी गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है, जिससे यहाँ के नागरिकों में, दुकानदारों में आक्रोश है, कस्टमर भी परेशान है। यहाँ सड़क पे देखिए गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है, जहाँ गाड़ी खड़ी की जगह करने की जगह है वहाँ पे पाइप को गिरा दिया गया है, जबकि सड़क पे गाड़ी खड़ा करने से यातायात बाधित हो रहा है। और आप सीधे तौर पर इसको देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से जल निगम ने अपना बिजली का पाइप गिराया है, पानी का पाइप गिराया है, इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है। खाली जगह भी है, चारों तरफ बहुत सी जगह है, वहाँ भी इस पाइप को गिराया जा सकता है, लेकिन खास यहाँ पे गिराने का मकसद दुकानदारों का दुकान बाधित करने है और व्यापारी इससे काफ़ी असंतुष्ट है, नाराज़गी भी जता रहे हैं। आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे बिजली का पाइप लाइन लिए गिराया गया और यहाँ नीचे दुकान भी देख सकते हैं और काफ़ी दुकानदार भी हैं, काफ़ी दुकानदार भी हैं। इसी तरह से जो दुकान पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जल निगम की लापरवाही सीधे सीधे सामने आ रही है। ये दुकानदार देखिए काफ़ी परेशान है, कस्टमर जाने का रास्ता नहीं है इनके पास और ये सड़क पे गाड़ियाँ भी खड़ी हो रही हैं, यातायात भी बाधित हो रहा है। जहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह वहाँ पे पाइप गिराया गया है, देखिए आप सड़क पे गाड़ी खड़ी देखिए दुकानदार हैं, ये अपनी दुकान को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं और इससे बात भी किया जा सकता है। देखिए काफ़ी दिक्कत है दुकानदारों को, यहाँ पाइपलाइन और ये तार, बिजली तार, देखिए तार भी काफ़ी परेशान किए हुए हैं और यहाँ पे लोग आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये गाड़ी देखिए खड़े रास्ते में, यहाँ पे सड़क में, ये सड़क पर गाड़ी खड़ी के लिए मजबूर हो, इसको लेकर के काफ़ी परेशान है दुकानदार भी, काफ़ी परेशान है। रास्ते पे खड़ा कर रहे हैं लोग, चालान काट दे रहे हैं, गाड़ी उठाने जा रहे हैं, गाड़ी उठा रहे हैं, गाड़ी उठा ले जा रही है, गाड़ी चलाने जा रहा है, पता है दुकानदार, दुकानदार भी देखिए काफ़ी परेशान है। और ये इस समय दीपावली का सीजन है और ये लोग दुकानदारी को लेकर के काफ़ी पैसा भी लगाया है दुकान में, लेकिन नगद निकल रहा है, कस्टमर रुकेगा नहीं तो कैसे कमाएगा व्यापारी, कमाएगा, जबकि सरकार का कहना है कि व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए और व्यापारी अपने व्यापार को करें, लेकिन ये जल निगम के द्वारा जो गिराया गया काफ़ी इन लोगों को दिक्कत कर रही है और काफ़ी दुकानदार करीब यहाँ 400-500 दुकानें हैं, कस्टमर रोड पे गाड़ी खड़ा कर रहा है, उसका गाड़ी उठा ले जा रहे हैं लोग। कितनी दुकानें हैं भैया यहाँ पे? यहाँ पे 400 दुकानें हैं, बताइए, कस्टमर रोड पे खड़ा कर रहा है गाड़ी तो उसको उठा ले जा रहे हैं लोग।
तो कस्टमर तो आने में हिचकता होगा, गाड़ी उठा ली जाएगी यहाँ से, गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा यहाँ पर, तो आए दिन चालान होता है यहाँ पे, यहाँ के चौकी इंचार्ज भी चालान करते हैं यहाँ के, कोई गाड़ी भी ठोकर मार सकता है, गाड़ी ठोकर मारता है, कस्टमर को भी ठोकर लग जाता है यहाँ पे, गाड़ी भी ठोका जाती है कभी कभी, ये सब होती है घटना, ऐसी ऐसी हो रही है इस समय, कस्टमर रुकता ही नहीं है, रुकता है तो उसका बेचारे का चालान कटता है, गाड़ी उठा ले जाते हैं। व्यापारियों की स्पष्ट मांग है कि इस पाइप को हटा करके कहीं खाली जगह पर रखा जाए, जिससे इनकी दुकानदारी प्रभावित ना हो और ये अपनी त्यौहार के पर्व पे अपनी दुकानदारी को सुचारू रूप से कर सकें। और महिला हॉस्टल और यहाँ स्टाफ बहुत से देख सकते हैं कि अपनी जगह खाली है, खाली यहाँ से गुजार रहे हैं और नगर निगम जल निगम चाहता तो यहाँ भी अपने पाइप को रख सकता था, लेकिन सिर्फ दुकानदारों को परेशान करने के लिए चक्र जो रखा जा रहा है वो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश है और ये देखिए पूरा ये महिला हॉस्टल का गेट है और गेट के सामने से लेकर के ये देखिए पूरे सड़क के किनारे कितनी जगह खाली है, कितनी जगह खाली है, लेकिन जल निगम की लापरवाही दुकानदारों के लिए इस दुकान में मुसीबत खड़ी कर चुकी है। अभी पहले कोरोना परेशान किया, बताइए अब दो पैसा कमाने का टाइम आया, सीजन आ गया है, अब इस टाइम ये सब लगा करके पाइप वाइप लगा करके रखे हुए हैं तो कैसे व्यापारी कमाएगा बताइए। व्यापार सबसे ज़्यादा परेशान है इस टाइम में, बेचारे बोनी नहीं हो पा रहा दुकान पे, अब क्या करेगा कोई, इसको हटवाने की सोचना चाहिए, हटवा दें व्यापारी कुछ कमा ले पैसा, दो पैसा कमा ले कम से कम, इतने दिन से बैठे हुए हैं कुछ दुकानदारी नहीं है रियासत में कमाने का। कुंदन निगम, कुंदन स्टील वाले किराया जल का विवाद, व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ भी देख रहे हैं, गाड़ी भी रोड पे खड़ी हो रही है, दिक्कत हो रहा है, पीछे की दुकान दिखाई नहीं दे रही है, सब डिस्टर्ब है, छः महीने से हम लोग झेल रहे हैं और उससे रोड वाले डिस्टर्ब कर दिए पाइप गिरा के, कोई दुकानदारी नहीं है, तो बोनी लाले हो गए हम लोग, डिस्टर्ब चल रहे हैं एकदम, प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे इस पर, पाइप फटा किनारे ऐसी जगह रखी जहाँ पर परेशानी ना हो। अजय गुप्ता, कुछ दिनों से गिराया गया है पाइप और बुधवार से या सैटरडे शनिवार है, चार दिनों से गिराया गया है जिससे हम लोग का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है, कोरोना काल से हम लोग अभी झेल करके चार पाँच महीने से परेशान रहे ही, अब प्रशासन द्वारा हम लोग को परेशान किया जा रहा है, दिवाली का त्यौहार सर पे है और प्रशासन द्वारा जो है रास्ता ब्लॉक करके आने जाने वालों के लिए, कस्टमर के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए दिक्कत खड़ा कर दिया गया है। हम लोग का मांग यही है कि इसको यहाँ से हटा करके कहीं ऐसे जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पर रास्ता प्रभावित ना हो या आने जाने वालों के लिए प्रभावित ना हो, और ये बगल में अपने पॉलिटेक्निक स्कूल का हॉस्टल है वहाँ पे बहुत सारा जगह है, अगर प्रशासन चाहे तो उसको वहाँ शिफ्ट कर सकता है जिससे यहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो।